यो गाइस व्हाट्स अप। तो फाइनली टुडे मैंने खरीद लिया हाईलैंडर के न्यू शूज़। द रीज़न आई बॉट दिस शूज़ बिकॉज ये लगते हैं एग्जैक्टली लाइक एडिडास यीज़ीज़ 350 V2 की तरह। देख सकते हो आप इनका जो ऊपर का ये स्टिच है, ये इनको थोड़ा यूनिक बनाता है, इसलिए मैंने खरीदे थे। और इसका जो पुराना वर्जन आता है 2020 वाला वर्जन, आप इसके मिंत्रा में खोल के स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा, मेरे को कमेंट कर देना। इनका जो सोल है ना, ये एडिडास यीज़ी की तरह नहीं लगता है। ओवरऑल मैं बताऊँ तो शूज़ इज़ रियली ऑसम। ये मटेरियल जो है रबर मटेरियल है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बट फाइलन नहीं है। ओके मे बी मैं चेक करके बताऊँगा, कमेंट्स में बता दूंगा, बट आई थिंक ये रबर है, इट्स नॉट फाइलन। ओके इट डजेंट लुक लाइक फाइलन टू मी। एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ से टॉप से देखोगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, थोड़ा पिचका हुआ सा है। सो आई रियली वॉन्ट कि थोड़ा एक्सपेंडेड सा हो, बट नहीं, थोड़ा पिचका हुआ सा है। एंड द डिज़ाइन इज़ रियली गुड। मैंने इसको इसलिए खरीदा क्योंकि एडिडास यीज़ीज़ की तरह ही लगते हैं। इनके एक जो पुराना वाला वर्जन था वो एडिडास यीज़ीज़ की तरह एग्जैक्टली लग रहा था। इनके थोड़े लेजेस थोड़े पतले हैं, तो मैंने इनको लेजेस चेंज करने का सोचा। मैंने मोटे वाले लेजेस डाले बट मैं पूरे नहीं डाल पाया क्योंकि इनके एगलेट्स टूटे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। सो फाइनली मैं दूसरी बार चेंज कर रहा हूँ एक बार। एंड मैं सोच रहा हूँ बाय करूँ ना करूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव मेरे पास खुद के अभी अभी नाइकी पड़े हुए हैं, तो 3,500 के मैंने शूज़ लिए, तो ये 600 के मुझे पड़े हैं। इनका MRP है 2,000 रुपीज़, मुझे ये पड़े हैं 600 रुपये के, तो 600 रुपये में यार वर्थ है बाय करना। तो सोल इनका देख सकते हो हाईलैंडर का, यहाँ अंदर की तरफ ना वाइट सोल वाले इनसोल्स, इनमें ब्लैक इनसोल्स वाले आ जाते हैं। बहुत पुराना मॉडल था 2019-20 का, वो काफ़ी अच्छा था डिज़ाइन वाइज, पर वो शायद से एडिडास ने इन पर लॉसूट फाइल कर लिया है, बिकॉज दैट्स वाई ये इनका तुमने डिज़ाइन चेंज करना पड़ गया। बट अगेन ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है स्कूशी सा तो है, बट इतना अच्छा नहीं है। इसके अंदर भी फोम है, अगर आप पैर रख रहे हो तो पूरा स्क्वीज जा रहा है, बस उसके बाद कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आई रियली डोंट लाइक द कम्फर्ट, बट 600 रुपये में आपको क्या चाहिए। और ये इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट ये फाइलन नहीं है और मिलेगा भी नहीं आपको फाइलन इतने सस्ते में। ओवरऑल द शूज़ इज़ रियली नाइस। अगर आपको एडिडास इस तरह लुक लाइक शूज़ चाहिए तो आप इनको बाय कर सकते हो, गो फॉर इट, लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। आई रियली लव दीज शूज़, बट क्योंकि मेरे पास पहले से स्पोर्ट्स शूज़ है, सो मैं शायद इनको खरीदूँ ना, बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे खरीदने चाहिए। देखते हैं अभी, ये थोड़ा सा मैंने मेकओवर किया है इसमें क्योंकि इसके लेसेस बहुत ज़्यादा पतले हैं, एडिडास यीज़ीज़ में बहुत मोटे आती हैं, और जो मेरे मोटी वाली थी ये देख सकते हो, ये ज़्यादा है मोटी हो गई यार, बहुत घुसाने में मेरी कान फट गई है। और लिटरली गाइस, अगर आप बहुत आलसी हो, अगर आपको नहीं चाहिए शूज़ जिनको घुसेड़ने में, जिनमें लेसेस डालने में आपकी फट जाए, तो फिर मत लेना भाई, लेसेस डालने में हालत ख़राब हो गई है, बट मज़ा भी आ रहा है। तो अभी दिखाता हूँ आपको मेकओवर करके, पूरा उनके लेसेस चेंज करके दिखाता हूँ आपको, एंड इट लुक्स रियली नाइस है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो यार गाइस, लिटरली यार, मतलब कितना मैंने इसको इसलिए खरीदा था क्योंकि एग्जैक्टली एडिडास यीज़ीज़ की तरह लगते हैं। ये देखो कितना हाई टॉप है इसका, ये ठीक है। सेकंड थिंग, सोल ने थोड़ा मेरे को धोखा दे दिया, बट काफ़ी मोटा सोल है, आई लाइक इट। यहाँ पे थोड़ा अंदर को ग्रूव हो रखा है, अंदर को पुश कर दिया उन्होंने, पिचका दिया अंदर को, बाहर होता आउटवर्ड तो अच्छा लगता, बट दैट्स ओके। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ बाइंग दिस शू यार, इसका शू लेस देखो आप कितना सेक्सी है गाइस। ट्विन होल्स मिलता है आपको दोनों तरफ, एंड लुक्स प्रिटी गुड। काफ़ी थिक आपको यूज़ करना पड़ेगा, मेरे पास इससे भी थिक है ये देखो, बट दैट्स ओके, ज़्यादा थिक भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। एंड दिस इज़ आई थिंक डिसेंट क्वालिटी ऑफ थिकनेस, ये थोड़ा सा डजंट लुक दैट गुड, क्योंकि कुछ खास अच्छा नहीं लगा। बट आर रियली दीज शूज़ बहुत क्लासिक है, 600 के अंदर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यार अगर आप 1,000-1,200 का लोगे तो मत लेना। क्वालिटी और डिब्बे की हालत देखो यार, कैसे मिंत्रा वाले कैसे डिलीवरी करते हैं यार, तुम लोग ये गाना मार देते हैं डिब्बे की भैन चोत। बट शू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग गाइस, मैं इसको भी चेंज करता है 2 सेकंड में, फिर आपको पहन के भी दिखाता है, एंड यू कैन एक्चुअली सी हाउ हैप्पी आई एम टू लाइक दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। मैं कितना खुश हो रहा हूँ उनको देख के यार, आई एम लाइक फकिंग ओवर द क्लाउड मैन, डूड दिस इज सो फ्रीकिंग गुड, लुक एट दीज शूज, दीज आर नॉट एडिडास यीज़ीज़। एडिडास यीज़ीज़ का मुझे अच्छे इसलिए नहीं लगे बिकॉज यार, एक तो पहले अपनी औकात नहीं है 35,000 के जूते पहनने की, सेकंड थिंग वो आपको मिलेंगे नहीं इंडिया में, और मिलेंगे तो आपको रीसेल में मिलेंगे, यानी कि अगर 25 या 20,000 का 15,000 का जूता लॉन्च हुआ होगा तो आपको इंडिया में उसको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे पहनने के लिए, क्योंकि वो खरीदे भी होंगे और फिर दोबारा उनको बेच रहे हैं, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा है। बट दीज लुक्स एब्सोल्युटली सिक गाइस, लुक एट दीज शूज मैन, डैम लुक एट द डिज़ाइन, टॉप वाला और ये देखो, और मुझे तो बहुत ही पसंद आ गए। बट यार खरीदने का वही सोच रहा हूँ मैं, मतलब वर्थ है नहीं। देखो द दिस थिंग इज यीज़ीज़ की तरह इसका सोल नहीं है, बस लाइंस हैं, बट बाहर को उन्होंने एक्सटेंड नहीं करा हुआ है, अदरवाइज इट्स गुड, अदरवाइज इट्स डेफिनेटली इट्स गुड। सो शायद मैं ले लूँ उनको, देखते हैं अभी पहन के दिखाता हूँ कैसे लगते हैं, चेकआउट करो कैसे लग रहे हैं बताओ मुझे कमेंट्स में। लुक्स लुक वाइज तो इट्स रियली नाइस, ऊपर से तो बिल्कुल लग रहा है एडिडास यीज़ीज़ है। इनका फेवरेट चीज़ मुझे ये लगा, इनका जो डबल लेसेस था जो उनको लूज करके खोलते हैं हम, साइड वाइज भी इतने बुरे नहीं है, मतलब हाउ कैसे बाहर आ रखा, बट ये अंदर को जो उन्होंने पिचका दिया ना, ये दिस व्हाट आई डोंट लाइक, ठीक है एडिडास थोड़ी ना है, आई मीन आई रियली वांट टू बाय देम बट कंफ्यूज्ड एक्चुअली।
शुड बाय देम और नॉट, आई एम लाइक व्हाट टू डू गॉड, ये बहुत लंबा है इसका, मुझे काफ़ी पसंद आया, ये लंबा ही होना चाहिए एक्चुअली में। शूज लुक्स वेरी नाइस मैन, सीरियसली लव दिस शूज, लव दिस बैड बॉयज। ऑलराइट गाइस, दिस इज एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन चेंज दीज लेसेस, यू कैन एक्चुअली चेंज देम, आप जो मर्जी कलर डालना डालो, दैट्स हाउ यू कैन लाइक डिजाइन देम। आई मीन आई नो आई शुड हैव बाय देम, नॉट फकिंग कंफ्यूज मैन। सब्सक्राइब द चैनल, सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टेल एंड स्टे सब्सक्राइब गाइस। इनका कलर जो है वो ब्लैक है और ब्लैक में इनकी स्टिचिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है, दूर से पास से देखने में तो दे लुक रियली नाइस, बट दूर से देखने पे आई डोंट रियली लाइक देम, दूर से देखने में। तो मेरे को शायद दूसरा कलर मिले तो मैं उसको बाई करूँगा, इसको मैं बाई नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक आई डोंट वांट टू बाई दिस, मेरे पैर में फिट तो आ रहा है बट थोड़ा टाइट सा हो रहा है जब मैं सॉक्स पहन रहा हूँ, तो ठीक है यार मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूँ अभी। बट यू मस्ट लुक आफ्टर दिस, लुक आउट फॉर दिस शूज़, चेक कर लेना, लिंक मैं नीचे दे दूँगा।